हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा छोटी बुनाई का डिजाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको ये डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये डिजाइन कार्डिगन बॉर्डर और बटन पट्टी के लिए है। कार्डिगन बॉर्डर में और बटन पट्टी में बहुत ही सुंदर लगता है। दूसरा इसका फायदा ये है फ्रेंड्स, इससे बटन पट्टी लूज नहीं होती है, बटन पट्टी एकदम स्ट्रेट बनती है। और छोटी बुनाई होने के कारण आप इसे जेंट स्वेटर में अप्लाई कर सकती हैं। छोटी बुनाई के जेंट स्वेटर बहुत सुंदर लगते हैं। कैप में इसे आप अप्लाई कर सकती हैं। मफलर बना रही हो तो आप इसे मफलर में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये कैसे बनाया गया है। ये डिजाइन बनाने के लिए आपको 2 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो आपका ये डिजाइन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स, ये जो हमारा डिजाइन है ये उल्टी साइड से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो जब भी आप अपने जो है बॉर्डर के लिए फंदे रखो तो सबसे पहले सीधी साइड की सिलाई उल्टी बना करके कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ये हमारा उल्टी साइड से शुरुआत होगी। तो देखिए, मैं फ्रेंड्स आपको बना करके दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। यहाँ पर लिए हैं फ्रेंड्स मैंने 17 फंदे। देखिए, इसमें हमने स्टार्टिंग से ही फंदे रखे हुए हैं, तो धागा अपनी तरफ करके सारे फंदे इस तरह से उल्टे बना देना। देखिए ऐसे, आपके जितने भी फंदे हों धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई उल्टी बुन लेना। फ्रेंड्स देखिए, इसकी उल्टी सिलाई हमने एक बना करके कंप्लीट कर ली है। अब ये डिजाइन हमारा उल्टी साइड से शुरू होगा, जो इस डिजाइन की पहली सिलाई होगी। फ्रेंड्स, ये जो डिजाइन है हमारा 4 सिलाई में कंप्लीट होता है, वही 4-4 सिलाइयां आपको बार बार रिपीट करनी है। तो देखिए, पहली सिलाई फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बना करके दिखाऊंगी और दूसरी सिलाई मैं आपको यहां से बनाना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस सिलाई को ध्यान से देखिएगा कि कैसे करनी है। ये जो पहला फंदा होता है इसे आप सीधा बना लेना, क्योंकि इस डिजाइन को उल्टी साइड से बुनना है और पहला फंदा फ्रंट का आपने सीधा बनाना है। धागा आगे और दूसरा फंदा उल्टा, धागा पीछे और फिर फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे और एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा, धागा आगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे और एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे और एक फंदा उल्टा, और धागा पीछे करके फ्रेंड्स लास्ट का फंदा आपका सीधा ही आएगा। अभी तो मैंने फ्रेंड्स आपको बोला है कि 2 के मल्टीपल फंदे रख के एक फंदा एक्स्ट्रा रखना, तो आपका उल्टी सिलाई पर यहाँ भी फंदा सीधा होगा और यहाँ भी फंदा सीधा होगा। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। इसमें यही फ्रेंड्स मैंने इसमें बनाया हुआ है, इसके रॉन्ग साइड से एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरह से मैंने ये सिलाई कंप्लीट की हुई है। और जब आप इसे सीधी साइड से बनाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला फंदा है हमारा उल्टी साइड से सीधा था, तो देखिए सीधी साइड पर हमारा उल्टा है, तो इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से। अगर आपको फ्रेंड्स उतारने की आदत हो तो आप इसे उतार भी सकती हैं, मैं हमेशा बुन कर ही लेती हूँ। तो देखिए, पहला फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा आप पीछे घुमा लीजिएगा। अब कैसे करना फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, धागा हमने पीछे किया है, ये जो हमारा देखिए इस तरह से धागा है, इसको ऐसे कर कीजिएगा, डबल कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये जो खींचने वाला धागा है हमारा, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो इस खींचने वाले धागे को आप आगे कर लेना ऐसे। और देखिए, इससे हमने इस फंदे को बुना है, ये हमारा पीछे ही रहे। इससे हम देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे, क्योंकि जो फंदा इधर हमारा उल्टा था वो इधर हमारा सीधा हो गया। बनाना हमने बॉर्डर की तरह ही है। और देखिए, ये फंदा उल्टी साइड से सीधा है तो सीधी साइड पर ये हमारा उल्टा है, इसे हमने उल्टा बुन लिया। धागा पीछे घुमा दीजिएगा। और ये वाला फंदा इधर हमारा सीधा है तो रॉन्ग साइड पर हमारा उल्टा है, तो देखिए ये फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब देखिएगा, ये जो हमने धागा आगे किया था, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, देखिए यहां पर है, यहां से ये खिंच रहा, इसको आप ऐसे ले जाइएगा आगे की तरफ, देखिएगा ऐसे।
और इस फंदे को धागे को देखिए हम ऐसे खींच देंगे, ऐसे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हम खींच देंगे। अब धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर से हम धागा पीछे करेंगे और देखिए ये जो हमारी ऊन है इसको हम इस तरह से डबल पकड़ेंगे ऐसे, और जिससे हमने फंदा बुना है देखिए ऐसे खींच के देखिएगा, इससे हमने फंदा बुना है और ये हमारा लूज है, तो इस लूज वाले को हम आगे की तरफ करेंगे ऐसे, और देखिए जिससे हमने फंदा बुना है वो हमारा पीछे है, तो एक फंदा हम अब सीधा बुनेंगे ये वाला। अब देखिए इसी को, ये तो हमारा आगे ही रहेगा ऐसे ही, इसको हम ऐसे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बना देंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे और ये वाला फंदा हम सीधा बना देंगे। अब देखिएगा इस तरीके से होगा ये आपका, इसको आगे की तरफ ऐसे कर दीजिएगा और ये जो हमारी ऊन है इसको आप ऐसे खींच देना, इसको ज्यादा भी नहीं खींचना है और ज्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना, नॉर्मल रखना फ्रेंड्स इसको, अगर आपने ज्यादा खींच दिया तो ये एकदम सुकड़ जाएगा। अब धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, अब धागा वापस पीछे कर लीजिएगा और इस ऊन को ऐसे ही मोड़ लीजिएगा, और ऐसे मोड़ के देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जिससे हमने फंदा बुनाया है ये वाला धागा आगे ले आइएगा और इसको ऐसे रख लीजिएगा। अब ये जो हमारा देखिए पीछे हमने पहले ही धागा किया हुआ है, तो एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब देखिएगा फ्रेंड्स ये जो हमने धागा आगे निकाला था इसको हम ऐसे घुमा देंगे इसके आगे से, और ये जो हमारी ऊन होती है देख लीजिएगा ये वाली, इसको आप जब ऐसे खींचेंगे तो ये आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर धागा आगे कर लीजिएगा और एक फंदा उल्टा बना लीजिएगा, धागा पीछे कर दीजिएगा और फिर से इस ऊन को ऐसे पकड़ लीजिएगा, और जिससे हम बुन रहे हैं उसको पीछे ही रहने देना और ये वाला धागा आगे कर देना। अब देखिए एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे आपकी वूल होगी तो उसको पीछे कर देना और इस ऊन को ऐसे खींच लेना इसको, देखिए ये हमारा डिजाइन ऐसे बनता जाएगा। अब धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, अब फिर से धागा पीछे कर लेना और देखिए इस वूल को ऐसे डबल कर लेना, इस बनाने वाले जो हमारा देखिए ऐसे खींच के देखिएगा, इसको पीछे रहने दीजिएगा, जो हमारा खींच रहा धागा उसको आगे कर दीजिएगा, और एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा और धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब देखिए ऐसे आपकी ऊन होगी क्योंकि ये हमारा खींचने वाला है और ये वाला हमारा ये धागा, तो इसको ऐसे कर देना और अपनी ऊन को ऐसे करना। अब धागा आगे करके एक फंदा पहले उल्टा बुन देना, फिर धागा वापस पीछे करके ऊन को ऐसे फोल्ड करना और ये वाला धागा आगे ले आना और बुनने वाला हमारा पीछे ही रहे। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। और अब इस ऊन को इसके आगे से ऐसे ले जाएंगे और अपनी ऊन को पकड़ के ऐसे खींच देंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बन गया। अब धागा आगे कर लीजिएगा और एक फंदा उल्टा बना दीजिएगा, धागा वापस पीछे, ऊन को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो खींचने वाला धागा है इसको आगे ले आएंगे और जो बुनने वाला है उसको ऐसे पीछे रखेंगे। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब इस ऊन को हम ऐसे घुमा देंगे और इसको अपने इस ऊन को पकड़ के ऐसे पुश कर देंगे। अब धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, अब धागा वापस पीछे करेंगे, ऊन को ऐसे डबल करेंगे, ये खींचने वाला धागा हम आगे की तरफ करेंगे और बुनने वाला पीछे। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। अब देखिए इस ऊन को हम इसके ऊपर से ऐसे ले आएंगे और इसको हम खींच देंगे। अब लास्ट का फंदा हमारा देखिए उल्टा आया है फ्रेंड्स। इस तरह से हमारी ये दो सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। हमने दो सिलाइयां और बनानी हैं तो ये वही चार सिलाई इसमें रिपीट होंगी। उल्टी सिलाई पर फिर से वही बनानी है जैसे हमने इस डिजाइन की पहली सिलाई की थी। देखिए पहला फंदा सीधा, धागा आगे और फिर
फिर हमारा फंदा ये थोड़े टाइट हो जाते हैं, तो इसको ऐसे कर सकती है। दूसरा फंदा उल्टा और धागा पीछे करके, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे और एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं अपनी ये जो है तीसरी सिलाई इस डिजाइन की कंप्लीट कर लेती हूँ। यही करना है हमारा, जो फर्स्ट का फंदा है वो हमारा सीधा हो जाएगा, उसके बाद वही उल्टा सीधा उल्टा और लास्ट में हमारा सीधा ही आएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर। सीधी सिलाई पर आप ध्यान दीजिए, इस डिजाइन की हमारी ये चौथी सिलाई है। देखिए कैसे बनेगी फ्रेंड्स। पहली सिलाई जब हमने ये बनाई थी तो एक फंदा हमने उल्टा बना के स्टार्ट की थी। अब कैसे होगी देखिए, पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके और तीसरा फंदा उल्टा बनाएंगे। अब हमारा यहाँ पर, अब इन तीन फंदे पर, जब यहाँ तीन फंदे पर डिजाइन शुरुआत था तो अब यहाँ पर होगा। तो धागा देखिए पीछे कीजिए, धागा पीछे करके फिर वही करना है, इस ऊन को हम ऐसे डबल पकड़ेंगे ऐसे, और देखिए ये जो आप ध्यान दीजिएगा इससे हमने बुना है और ये हमारी ऊन देखिए खींच रही है, ये खींचने वाला धागा आगे की तरफ घुमा दीजिएगा और ऐसे पकड़ लीजिएगा, और जिससे हमने बुना है उसी धागे को पकड़ेंगे। और देखिए एक फंदा सीधा और अब इसको हम आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा सीधा। देखिए तीन फंदे सीधे बन गए हैं। अब ये वाला धागा देखिए हमने यहां से आगे निकाला था, तो अब इसको हम ऐसे पलट देंगे और इस ऊन को हम ऐसे खींच देंगे। अब धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा, फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे की तरफ करेंगे और ऊन को हम इस तरह से डबल करेंगे, इस बुनने वाले को यहीं रखेंगे और इस लूज वाले को आगे कर देंगे। और देखिए एक फंदा सीधा, धागा आगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा हमारा सीधा। अब देखिए ये हमारा इस तरह से है, तो हम इसको आगे ऐसे लेंगे और ये जो हमारी ऊन है इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे। इसको फ्रेंड्स ज्यादा टाइट नहीं खींचना है आपने, ना ही बिल्कुल ढीला छोड़ना है। अब धागा आगे कीजिए और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कर लीजिएगा और देखिए फिर से हम इसको ऐसे डबल पकड़ेंगे, इससे हमने बुना है ये हमारी ऊन का लूज धागा, इसको आगे करेंगे और देखिए एक फंदा सीधा, धागा आगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारा लूज वाला धागा है, इसको हम ऐसे इस सिलाई के आगे से ऐसे कर देंगे और अपनी ऊन को पकड़ के ऐसे खींच लेंगे। अब धागा आगे कीजिएगा और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और फिर से हम इस ऊन को ऐसे पकड़ेंगे और इस खींचने वाले धागे को आगे की तरफ रखेंगे, जिससे हमने बुना है वो पीछे ही रहे। अब देखिए एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। और अब देखिए ये जो हमारी ऊन है इसको हम इसके ऊपर से आगे ले जाएंगे और इसको हम ऐसे खींच देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। अब धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा वापस पीछे कर लीजिएगा और इस ऊन को ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। बनाने के लिए हमारा देखिए ये खिंचा है, ये जो बिना हमारा जो धागा खिंच रहा है इसको हम आगे कर देंगे और जिससे हमने बुना है वो पीछे ही रहे। अब हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा धागा आगे करके उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब इस ऊन को हम इसके ऊपर से आगे कर देंगे ऐसे और इस ऊन को पकड़ के ऐसे खींच लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से हमारा डिजाइन बन रहा है। धागा आगे कीजिए और एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे करेंगे और इस ऊन को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारी ऊन है खींचने वाला धागा इसको आगे करेंगे, जिससे हम बुन रहे हैं वो हमारा पीछे ही रहे। अब एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। और अब इस ऊन को देखिए इसके ऊपर से आगे, देखिए ये जो हमारा आगे इसको ऐसे कर देंगे और इस ऊन को हम इस तरह से खींच लेंगे। अब धागा आगे कर लीजिएगा और एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे, फिर से इस ऊन को ऐसे फोल्ड कीजिएगा,
इस धागे से हम बुन रहे हैं, ये पीछे रहे और ये लूज वाला हम आगे कर लेंगे। अब देखिए कैसे, एक फंदा सीधा, धागा आगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब देखिए ये ऊन हमारी यहां से देखिए खींच रही होगी, इसको इस तरह से ले जाके आगे कर देना है और इसको ऐसे खींच लेना है। अब ये देखिए ऐसे डिजाइन बन जाएगा। अब धागा आगे करके देखिए ये चौथी सिलाई में जो है हमारे तीन फंदे आएंगे। देखिए एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा। यही चार चार सिलाइयां फ्रेंड्स आपको बार बार रिपीट करते हुए जानी है, तो आपका ये डिजाइन इस तरह से बन जाएगा। एक बार आपको फिर से स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। देखिए पांचवी सिलाई पर फिर से आपने वही करना है, ये पहला फंदा सीधा, ताकि फ्रेंड्स कोई कंफ्यूजन ना हो। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा, इस तरह से करते हुए आप ये अपनी पूरी सिलाई बुन लेना। देखिए फ्रेंड्स अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर और छठी सिलाई पर। देखिए फिर से आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे और धागा पीछे कर देंगे। धागा पीछे करके वही करना है, इस ऊन को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, जिससे हमने बुना है उसे पीछे रखेंगे और जो खींचने वाला धागा है उसे आगे कर लेंगे। अब देखिए इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और एक फंदा सीधा, धागा आगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब देखिए ये जो हमारी ऊन है इसको हम ऐसे ले जाएंगे और पीछे से अपनी ऊन को पकड़ के ऐसे खींच देंगे। अब धागे को आगे कर लीजिए और एक फंदा उल्टा। अब धागा वापस पीछे करके और इसे हम ऐसे पकड़ेंगे। देखिए ये हमारा बुनने वाला धागा है और ये हमारा खींचने वाला, तो इसको आगे ले आएंगे, बुनने वाला हमारा पीछे ही रहे। एक फंदा सीधा, धागा आगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। धागे को इस तरह से लेंगे और इसको हम खींच देंगे। अब देखिए धागा अपना वापस आगे की तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा वापस पीछे करेंगे, इसको ऐसे डबल पकड़ेंगे, इस खींचने वाले धागे को आगे ले आएंगे और इसे हम ऐसे पकड़ेंगे। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। इस ऊन को हम इसकी तरफ आगे से ऐसे कर देंगे और इसको पीछे से हम ऐसे खींचेंगे। अब धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, खींचने वाले धागे को हम आगे ले आएंगे और जिससे हमने बना रहे हैं उसे पीछे रखेंगे। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा, और ऐसे घुमाएंगे और इसको खींच देंगे। इस तरीके से आपने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। इस तरह से बुनते हुए आप अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेना। फिर से बता रही हूँ, देखिए धागा पीछे करके ऐसे फोल्ड करना है फ्रेंड्स, और ये खींचने वाला धागा आपको आगे करना है, बुनने वाला पीछे रखना है, और एक फंदा सीधा करना है, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और धागा पीछे और एक फंदा सीधा। फिर हम इस तो पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे और अपनी ऊन को ऐसे खींच लेंगे। अब धागा आगे करके ये लास्ट का फंदा हमारा उल्टा बनेगा। इस तरह से फ्रेंड्स इसकी स्टार्टिंग होगी और उल्टी सिलाई में फिर से आपने वही करना है, ये एक फंदा स्टार्टिंग का सीधा उल्टा करते हुए बॉर्डर की तरह इसे बुन लेना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।